महाराष्ट्र के नागपुर जिले में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर 58 करोड़ रुपयों का स्कैम सामने आया है। पुलिस छापे में 10 करोड़ कैश और 4 किलो सोना बरामद किया गया। हर आए दिन ऑनलाइन कई तरह के स्कैम हो रहे हैं और आजकल ऑनलाइन गेमिंग काफ़ी उरूज पर है। ऑनलाइन सट्टेबाजी कर शॉर्टकट पैसे को डबल करने के चक्कर में लोग बर्बाद हो रहे हैं। आप हर रोज़ मोबाइल में ऐसे हज़ारों कई गेम्स देख रहे होंगे जिसे खेल पैसे को डबल करने की लालच दिखाई जा रही है। नागपुर के एक बिजनेसमैन को इसी तरह कैसीनो में पैसा लगाकर करोड़ों रुपया जीतने की लालच दिखाई गई थी। 2021 से एक शख्स ऑनलाइन कैसीनो में पैसा लगाता रहा और कुल 1.5 साल के दरमियान 58 करोड़ रुपयों का चूना लगाया गया है। ऑनलाइन गेम में सेटिंग की गई थी कम पैसा लगाने पर जीत और ज़्यादा पैसा लगाने पर हराया गया है। 58 करोड़ का स्कैम होने के बाद नागपुर के बिजनेसमैन ने अपना पैसा वापस मांगा तो उसे धमकाया गया है। बिजनेसमैन ने पुलिस कंप्लेंट की और पुलिस के छापे मारने पर स्कैमर के पास से 10 करोड़ रुपया कैश और 4 किलो सोना बरामद हुआ है। इस स्कैमर का नाम आनंद जैन है जिसने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों रुपयों का स्कैम किया है। जब से एंड्रॉयड मोबाइल लोगों के हाथ में आया है हर रोज़ हज़ारों ऑनलाइन स्कैम सामने आ रहे हैं और आजकल ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग के आदि हैं तो होशियार रहिए, आपके साथ भी इसी तरह का धोखा हो सकता है। आपका नाम बोलिए पूरा। सोंटू भाई है आपका, आप बड़े, आपके सामने ही पूरा चालू है गिनना, कोई परेशानी? This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bale Hill Circle Ring Road, Gulbarga.